दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग, दोनों ही जगहों पर सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ही तेजी से किया गया है, जिसके बाद दुनिया को समझ आ गया है कि अगर अपनी सेना को मजबूत करना है तो मिसाइल और फाइटर जेट के अलावा सुसाइड ड्रोन से भी लैस करना होगा। अब इन सब चीजों को देखते हुए हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने भी चीन को स्ट्राइक करने के लिए सुसाइड ड्रोन का निर्माण कर लिया है, जिसका नाम है नागास्त्र। इस नागास्त्र सुसाइड ड्रोन को पूर्ण रूप से मेक इन इंडिया यानी कि स्वदेशी रूप से बनाया गया है। यह ड्रोन सभी टेस्ट को पास कर चुका है और पिछले साल चीन से सटी सीमा के नजदीक इसका परीक्षण भी किया गया है, जिसकी खासियतों को देखते हुए भारतीय सेना ने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए इन ड्रोन्स के 450 यूनिट के ऑर्डर भी दे दिए हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे आत्मघाती या सुसाइड ड्रोन कहा जाता है, लेकिन सेना की भाषा में इसे लॉटरिंग म्यूनिशंस कहा जाता है। अभी तक चीन की सेना रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की हिम्मत जुटा लेती थी, लेकिन अब इस ड्रोन की सहायता से चाहे दुश्मन का टैंक हो या फिर रात के अंधेरे में घात लगाने की साजिश तैयार कर रहे दुश्मन, उन सभी को यह सुसाइड ड्रोन पल भर में ही नेस्तनाबूद कर देगा। बात करें इसकी रेंज की, तो इस ड्रोन के जरिए 15 से 30 किलोमीटर के दायरे में स्थित किसी भी टारगेट पर सटीक हमला किया जा सकता है। इसको और भी सटीक बनाने के लिए इसको जीपीएस से भी जोड़ा गया है, जिसके जरिए दुश्मन के सटीक लोकेशन को ट्रैक कर लेता है और फिर दुश्मन टारगेट के पास जाकर खुद को नष्ट कर लेता है। ये सुसाइड ड्रोन अपने साथ 1.5 किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता रखते हैं और विस्फोटक के साथ ये करीब 15 से 30 किलोमीटर तक उड़ान भी भर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि जब भी इस ड्रोन को दुश्मन पर टारगेट करके छोड़ा जाता है, लेकिन कुछ खामियों के चलते अगर टारगेट नहीं मिल पाता तो ये ड्रोन आसानी से वापस भी लौट आता है। साथ ही इस ड्रोन में हाई इंटेंसिटी के कैमरे भी लगे होते हैं, जो फ्लाइट के दौरान 15 किलोमीटर तक के वीडियो को भी कंट्रोल रूम में भेजते रहते हैं। वैसे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, लेकिन क्या आपको DRDO के इस हथियार के बारे में पहले से जानकारी थी या फिर नहीं, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आपको अगर भारतीय वैज्ञानिकों के इस हथियार के बारे में सुनकर गर्व महसूस हुआ हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।